来，पागल ही है। एक मिनट चुप करो तो मेरी बात सुन लो। क्या हुआ? आप ही ने फिक्स कर रहे हैं नफा की। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। अल्लाह मियां खैर का वक्त लाए। आमीन। रखो, छोड़ दो। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज ये ब्लॉग क्यों शुरू किया। अच्छा, उससे पहले जो सबसे जरूरी काम हो, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम, वो कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ब्लॉग शुरू क्यों किया। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग हो गया, शुक्र अल्लाह मैंने कह दिया। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि मैंने व्लॉग क्यों शुरू किया। जैसे कि आपको पता है, रजत भाई लड़की से मिलने गया, वहाँ से हाँ हो गई, तो सुनन तो बनता था ना कि मैं जाती और मिठाई देख के आती, खुशी मनाती, पर वो थोड़ी मसरूफ़ इतनी हो गई कि अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने अपने घर का कर दिया। रजत भाई उसमें मसरूफ़ हो गया, आना जाना रहा, काफ़ी चक्कर लगते रहे उधर आना जाना, तो वो थोड़ा टाइम मेरा थोड़ी मैं लेट हो गई। अब मैंने ये सोचा कि मैंने इसको जबरी कहना, आज तो मुझे भी हर हाल में उनके घर जाना है, क्योंकि मेरा बनता है मैं फौरन जाकर उनको मुबारक दूँ, मिठाई लेके जाऊँ। आज मैंने कोशिश की कि मैं इसको उठाती हूँ, जैसे भी है मैंने जाने जाना, आज इसको उठाऊंगी और इसको लेके जाऊंगी, जाके मुबारक दे के आऊंगी, फिर मैं आपसे बात करूंगी। अच्छा, आप देखो 2 बजे का टाइम हो गया ना, मैंने इसको बेडरूम से उठाया और आके देखो ड्राइंग रूम में सो गया। अब मैं इसको उठाती हूँ, उठा के इंशाल्लाह आज मेरे इसके साथ जाना ही जाना है, और मैंने पूरी कोशिश करनी है कि आज मैं जाके उनको मिठाई दे के मुबारक दे के उनसे निकाह की डेट लेके, क्योंकि इसके पास ना टाइम होना है और ना इसे मुझे टाइम देना, और निकाह आगे 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 होते जाना, इसलिए आज हम इंशाल्लाह जाएंगे और निकाह की डेट लेके आएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इसको उठाती हूँ, देखा जरा कैसे सीधा करती हूँ मैं इसको उठाती हूँ। इसको उठाना बड़ा मुश्किल है। अली अली, ओह उठो बेटा, इसने ना आसानी से नहीं उठना, तो मैं 2 दफा इसको उठा चुकी हूँ। अब ना देख रहा क्या कर रहे हो, आपको उठा रही हो क्या, कर रही हूँ, उठो। क्या क्या उठो बेटा, तेरी जान ऐसे नहीं करते जान। क्या क्यों कर रहा है ये व्लॉग, क्यों बना रहा है व्लॉग? में व्लॉग मैंने शुरू किया है, बोलो। ओके, आज मेरे बच्चे को मेरे साथ जाना है। किधर जाना है? मेरे साथ चलो, मैं और तेरे पापा हम जाना चाह रहे हैं लड़की के घर मिठाई देने। बेटा आज जाओ तो मैं कैसे जाऊँ, पैदल मेरे पापा चल पड़े, हमें तू ही लेके जाएगा, हमें कोई गाड़ी चलानी आती। उबर करा था पैसा आपको, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तेरे मम्मी पापा उबर में जाएंगे। ऊपर में लोग जाते नहीं, नहीं। लोग जाते हैं खुशी के मौके पे ना, बच्चे साथ जाते हैं। मैं मेरे रिश्ते की बात होनी है और मैं ही जाऊँ? रिश्ते की बात हो चुकी बेटे, फिर इंसान बन जो, बड़े प्यार से कह रही हूँ, आप हमें लेके जाओगे। अच्छा। हम लोग मुबारक दे के मिठाई दे के आ जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप गजल को फोन कर लो, आपकी मेहरबानी है। प्यार से कह, जर्नी ना मेरा जर्नी है, तुम मेरा बेटा मेरा मक्खन, थोड़ा टाइम नहीं जल्दी। क्या टाइम हुआ? 2:30 बज गए पुत्र। यार मैं रात को 6 सुबह 6:30 7 बजे सो रहा हूँ ना, इस तरह किया करो यार, खुशी के मौका। अच्छा चलो आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, चलो आप लेटो ना फिर जानू बंद कर दे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आप सबका हो चुका हुआ है, अम्मा के बनाए हुए क्लिप्स मैंने देख लिए हैं। हमारी मिंसा की तरह सुबह से नजर नहीं आ रही, सुबह सुबह मिंसा हमें आके उठाती है, वो जल्दी उठ जाती है, हम लोग लेट उठते हैं। तो किधर अब मिंसा, आज संडे है ना, उसके मामा और उसके बहन भाई घर थे आज। अच्छा। उनके साथ खेल भी बड़ा एंजॉय कर रही, मैंने देखा उसको, कहा। अच्छा खैर, मुझे उसकी याद आ रही है। और हाँ, अम्मा के मैंने क्लिप्स जो हमारे रिकॉर्ड किए हैं मैंने देखे हैं। बात तो अम्मा की सच है कि जब हाँ हुई थी तो हमारा जाना बनता था, मुबारकबाद देके आनी बनती थी, लेकिन फोन पे ही रबते रहे हैं, मसरूफियत कुछ इस तरह की थी कि जा नहीं सके। लेकिन उसके अंदर जो एक पॉइंट है कि निकाह की डेट लेके आनी, ये काम नहीं आप करोगे, अगर ये करना तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों बेटे? नमाजी निकाह की डेट नहीं लेके आनी, मुबारकबाद देके जफिया जफिया डाल के चुमिया शुमिया लेके आप आ जाओ, लेकिन ये है कि निकाह की डेट के लिए मैं नहीं जाऊंगा। अभी आप चुप करेंगे, ये काम माँ बाप का है, बाखूबी जानते हैं काम, माँ बाप का काम है जी। फिर माँ बाप जाए, मैंने नहीं जाऊंगा। ड्राइविंग आपने करनी है, मैं आपका ड्राइवर नहीं लगा हुआ। आप मेरे बेटे हो, मेरी जान हो, बड़े प्यार से कह रही हूं मैं खुश हूं। मम्मा आप गुस्से से क्या देख लो, आप गुस्से से क्या देख लो, मेरी बात सुनो, वहां पर मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आप जो कह रहे हो ना मैंने निकाह की डेट लेके आनी है, ये नहीं काम होने वाला। तुम्हें मेरे बच्चों का पता है सबका? और यार मम्मा
मेरे साथ मेजोरिटी है, टेंशन नहीं देनी मुझे, हम सब रेडी हैं, आपको रेडी होना पड़ेगा और हम आज लेके ही आएंगे डेट। क्या निकाह की डेट लेके आनी है कि निहारी लेके आनी है यार, मजाक बन गया मुझे। ये जी हमारा भाई है, हमारा पर्सनल इसकी दुकान है, इलेक्ट्रिक हाँ इलेक्ट्रिक की दुकान है, सारे घर का काम, जिम का काम, इलेक्ट्रिसिटी का यही करता है, संडे है, A1 करता है, आज संडे है तो कोई काम शाम नहीं है, वैसे मिलने आया हुआ है भैया मेरा छोटा, ठीक है हाँ उसकी भी माँ ही है। अच्छा तो अब निकाह की डेट लेके आनी है, कम अज कम 2040 की लेके आना, ठीक है, ये तो छोटा साइज ही लग रहा है जी, यही तेरे थार बैठा तेरे। शावर ले लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या मसरूफियत बनती है और क्या कटी कटा निकलता है हमारा जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, क्या हाल है, इधर मुखड़ा तो दिखाओ, इधर हो जरा, इधर हो यार, हद हो भैया, हाय 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 नाइस शर्ट यार, दिखाओ तो सही, हाय यार फटी जा रही, इधर देखो, ठीक है बस ठीक है, अब इसके नीचे सही रहेगी। अरे मेरी बात सुन भाई, को ब्लैक शर्ट दे, नई वाली पप्पू वाली, ठीक है, आए 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 आजा बाहर, ऐसे बाहर आजा, ये ले नई शर्ट पहन, शर्ट पहन ले, तुझे देख के मुझे अपनी दादो की याद आ रही है, वो भी बॉडी बिल्डर थी। ओके जी तैयार श्यार हो गया हूँ मैं, शावर ले लिया है, एनर्जी भी मेरी वापस आ गई है, अब ले जाओ चाहे मुझे चांद में ले जाओ। यार मेरी बात सुनो, ससुराल होने वाला मेरा है तो ये इतने इतने प्यारे आप लोग क्यों बन गए हो, खैर है ये देखो तो, और आप सब आज ईद मना ले, ईद से पहले ही, क्योंकि अवैस ने अपनी निकर चेंज कर ली, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, और अवैस ने आज नहा भी लिया, बट सब आपने किधर जाना है, आपको तो नहीं लेके जाना, मैंने मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, अच्छा आपको पता नहीं है, तो फिर मैं ना जाऊं काम चल जाएगा, आप चाहो तो चल जाएगा, आप तो हमारा ड्राइवर बन के तो जरूर जाओगे, क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो आप, आपने भी जाना है, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। यार मेरी बात सुन लो, मैं इनसे साफ साफ बात कर रहा हूँ कि वहां पर जाके ये निकाह शिकाह की शुद्धनी नहीं छेड़नी, मिठाई दो और वापस आ जाओ, ठीक है, हम तो जाए शुद्धनी छेड़ने के लिए पापा जी, हम तो जाए इसीलिए है कि आपकी कोई रिटेल पक्की हो, रिटेल रिटेल डेट रिटेल, तुसी कितने जाना सरकार, खैर भाभी के घर, तू नहाया क्यों आज, खैर है इसके साथ एक निकर, तौबा नौज़बिल्ला, जब ये पुरनम होगा ना, एक निकर हमने इसके साथ दफनानी है, जो कि ये पहनता ही पहनता और कुछ पहने या ना पहने, आप लोग तो नहीं देखते लेकिन मैं देखता हूँ, चले जी निकले, बिस्मिल्लाह करें, आ जाओ यार आ जाओ, चलो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यार एक चीज बड़ी खराब है, जब भी ससुराल की बात होती है या आपकी होने वाली भाभी की बात होती है, अब उनसे मिलने जाना पड़ रहा है मुझे आज किसी ना किसी मजबूरी के तहत, क्योंकि मेरे घर पे ड्राइव करने वाला और कोई नहीं है, तो मेरे पेट में अजीब गुड़ 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 स्टार्ट हो गई है, पता नहीं ये कब ठीक होगी, और मेरा ख्याल है ये होती भी सिर्फ अरेंज मैरिजेज में है, लव मैरिज में ये चीज नहीं होती। ओके अली आपका स्टॉप आ गया, बाय बाय टेक केयर, ये मेरी गाड़ी ठीक कर देना तुम्हारी मेहरबानी, ओके भाई चलो जी सही बैठ जाओ जी, मिठाई अच्छा और फल, मुझे भूख नहीं है, मैंने नहीं खाना, मैं आपके लिए नहीं कह रही, मैंने अपनी बेटी घर लेके जाने, ओह यस मिठाई लेनी है और फ्रूट लेना है, क्योंकि हाँ के बाद पहली बार जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जा सकते, चलो जी मम्मा बाहर जाके लेना, यही से ले लो, फ्रूट ही है यहाँ पर भी, अंदर भी फ्रूट है बाहर भी फ्रूट है, ले लो जो लेना ले लो, ये लो आज आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, केला तो दे एक छील के जरा मुझे, आप लोग बैठो यार मैं मिठाई लेके आया, ठीक है ये लो पकड़ो, ओके जी तो फाइनली हम आपकी होने वाली भाभी के घर पहुंच चुके हैं, अम्मा जी आप लोग पहुंचो, मैं गाड़ी में बैठा आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रही है अजीब सी, ठीक है ड्रामे लगो नीचे उतरो, अजीब कंफ्यूजन हो रही है, चलो आता हूँ पीछे पीछे आऊंगा ना, कि मैं सबसे आगे मैं चलूँ, होने वाला दूल्हा हूँ मैं, कुछ शर्म लिहाज मेरे अंदर होनी चाहिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलिए। अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है, तबीयत ठीक है, शुक्र अल्लाह का, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हाल है, तबीयत ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाई, मैंने कहा मैं लेट हो गई हूँ पर मुबारक दे के आती है अपनी बहन को जाके, शुक्रिया आपको भी बहुत मुबारक हो घर की, बहुत शुक्रिया सलामत है, बहुत शुक्रिया, मैंने कहा लेट हो गई हूँ पर मैं भाई कसम से मामला इतने हुए थे ना, थोड़ी लेट हो गई मैंने जाके, मेरी बात सुनो आराम से, कोई जल्दी नहीं है अभी, ठीक है पानी शानी पियो, बैठते ही डेटे ना मांगने लग जाना, अगर माँ जी कही है पानी ले ले आराम से जरा, ठीक है पापा जी समझा दो इनको, अच्छा दिल में कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ नहीं हो रहा, चुलमुल हो रही है, ठीक है बोले दो अल्लाह खैर करे, आपको खुदा का वास्ता है डेट रहने दो, कोई मामला मन कर लो, रिंग सेरेमनी कर लो, खामोश बोल दे, रोटी बोल दे, मैं अभी नहीं लड़ा हुआ, चुप कर बैठो, ये देख पापा
मैं जाऊं फिर आराम से मैं यार तो पुत डेट लेके जाऊंगी तू जो मर्जी हो ना बकरा चित्र ले आ गया पुत्र तेरी बड़ी जुबान चल रही खैर ये ठीक है मम्मा का मकसद है मम्मा ने सब को चुन चले दे देना कोई ना रहे बिल्कुल सही वक्त पे सारे बच्चों के सबके नसीब को ले सारे वक्त पे अपने अपने घरों में बादशाह बने आमीन सुम्मा किसी भी घर बैठे हुए आराम से बोलो अच्छा जी सोहरिया की चाह पीन चले हैं पिज्जे शीजे भी पे थैंक यू मालिक शाबाश शाबाश बकरा कोई हो रहा लाल हो रहा तुसी सिर्फ खाओ बेटा ठीक है हाँ जी पापा जी सही है आपको कैसा पता उसने बनाई मैंने पूछ लिया अच्छा जी खाना छाना खा लिया बहुत मजा आया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ना आती हूँ मुद्दे की बात पे जिसलिए मैं आई हूँ देखें भाई मैं ना मैं नहीं चाह रही कि पहले बहुत लेट हो गई हूँ मुहर्रम फिर ये वो अब मैं मंगनी शमनी के चक्कर में पढ़ना नहीं चाह रही मैं कह रही मैं डायरेक्ट निकाह ही करूँ अपनी बेटी को घर लेके जाऊँ अब आप खैर से मिल के बैठे हैं मौला खैर करे तो आप ना मुझे डेट का और जल्दी जल्दी की बहुत लेट नहीं हम करते हैं इंशाल्लाह आप देखें कोई जंतरी वगैरह अगर है तो बना व्हाट्सअप मोबाइल पे निकला है कि मेरा ख्याल है ऑनलाइन निकला है अगर वल्बली नहीं है ना तो ऑनलाइन निकला है हाँ जी ठीक है आपकी बात लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले ना हम मंगनी कर लें तो फिर निकाह उसके बाद इस तरह बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा ये बड़ी अच्छी बात कही आप हाँ जी माँ जी ठीक कह रही है मेरा ख्याल है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इतनी क्या जल्दी है आप चुप करो अच्छा जी ठीक है बड़े बैठे मैं तेरे पापा बात करने के लिए अच्छा जी अच्छा जी अच्छा मैं तो ना मैं मेरा नहीं दिल मान रहा कि मैं और लेट करूं हम लोग निकाह ही करते हैं अच्छा मौला के सपोर्ट करते हैं आप बेटे देखो जल्दी अच्छी देख लें डेट कौन सी आ रही है ये दिसंबर की वीक रख लेते हैं हां इंशाल्लाह दिसंबर का फर्स्ट वीक ठीक है डेट नहीं करना मेरा ख्याल है ज्यादा जल्दी है नहीं जल्दी आप का चुप करो आप हमें पता है वो उसमें डेट नहीं एक आ रही है फर्स्ट वीक में वही मैं घर से भी सोच के आई हूं इंशाल्लाह इंशाल्लाह माँ जी आप बात कर लें अपनी तरफ सबसे हाँ, फिर आप कॉल कर दीजिएगा अम्मा को ठीक है अब थोड़ी सी मिठाई तो खाओ ना मेरी खुशी में आप मिठाई खाएं ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह आप भी जान माशाल्लाह माशाल्लाह सलाम दिए मेरी खुशियों में इसे काफी बहुत शुक्रिया सलामत रहे आप भी जान भाई ओ पापा नहीं आज शुगर शायद कुछ नहीं थोड़ा पापा जी आराम से अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप वालेकुम अस्सलाम मैं बिल्कुल ठीक आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र आपको बहुत बहुत मुबारक हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने हाँ कर दी थी ठीक है और दूसरी बात ये कि हमारे निकाह की डेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है बस अब आपकी अम्मा बात करके बड़ों से तो कॉल बैक कर देंगी कॉल बैक करेंगी तो फिर दिसंबर का फर्स्ट वीक कुछ बड़ों ने फाइनल किया मैंने सोचा कि मैं आपको भी मुबारक दे दूँ आपको मुबारक हो आपकी बेटी है मैं भी आपका बेटा ही हूँ बस इतना कहना है कि जैसे मैं हूँ उसी तरह ये मेरा भाई भी है जहाँ मेरी जरूरत हो मुझे बता दीजिएगा और जितना ही हमारे एक दायरे के अंदर आए मुझे खुदा की कसम कोई शौक नहीं है कि मैंने कोई 15-15 फंक्शन करने हैं हाँ जो बच्ची की ख्वाहिश है वो जरूर पूरी करें लेकिन जितना अपने दायरे के अंदर रह के जहाँ मेरी जरूरत हो मैं हर टाइम हाजिर हूँ ये नहीं कि आप मुझे दामाद समझे बेटा ही समझे ठीक है बस बेफिक्र है इजाजत है थैंक यू सो मच बस दुआओं में याद रखिए इजाजत है और एक बार फिर मुबारक हो आपको भाई आपको भी मुबारक हो चले भट साहब किरा ना आपने यहाँ पे चलो आ जाओ आ जाओ चले मम्मा जी आ जाओ हाँ चलो बिस्मिल्लाह पागलो चुप करे बैठो पागल ही होए पागल ही होए पागल ही होए बस कर ओ बस कर गुदगुदी ना करो यार पागल मेरे पेट में अल्लाह की कसम गुड़ 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 होती है दिसंबर तो आया खड़ा यार मम्मा
ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਭਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗਾਣੇ ਖੁਦ ਬਣਾਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਚਲੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਪੁੱਲਾ ਓਏ ਕਿਆ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਗਲੋ ਲੈ 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 पागली होए पागली होए पागली होए पागली होए एक मिनट चुप करो तो मेरी बात सुन लो क्या हो गया क्या हुआ क्या हुआ आसी ने फिक्स करे है अभी अभी माँ जी ने फोन नहीं किया वो अपने जरा बड़ों से बात करके कॉल बैक करेंगे क्या हो गया आप लोगों को जी नहीं हमारी डेट फिक्स हो चुकी है आज आज तो व्हाट्सएप भी बोल रहे हैं भाई पुत्रा की खुशी ऐसी होती है ओके के अलावा भी आज कुछ बोला जा रहा है माँ जी का पागल अल्लाह की कसम पागल अल्लाह खैर करे क्या हुआ मैंने आपको जिम में दिखाया था मेरे पास एक गिफ्ट है आपके लिए मैं लेके आता हूँ अल्लाह खैर ही करे अभी हमने पहले वाले गिफ्ट वापस नहीं किए हाँ जी क्या सबसे बेस्ट तरीन गिफ्ट माशाल्लाह 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 कुराने पाक है कुराने पाक है ये मजे क्या स्पेशल लिख के भेजा दिल कसम से जिसने ये भेजा कसम से मेरे दिल की गहराइयों से मैं उसको शुक्रिया नहीं दुआएं दूंगी कि मेरा मां जी लिखा देखो जरा देख लेना तो स्पेशल लिखा होगा कि ऊपर टैग लगा क्या चक्कर है ये है जी एक मिनट दिखाओ ये क्या है ये जी इनका कार्ड है फेथ गिफ्ट के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है इनकी बिस्मिल्लाह ध्यान से अगर ये इन्होंने स्पेशल हाथ से या फिर मशीन से मां जी लिखा हुआ है तो क्या ही कारीगरी है भाई खोल के दिखाओ माजी खोल के दिखाओ खोल के दिखाओ जबरदस्त भाई चेक करो आपको मिला कभी इस तरह का गिफ्ट मेरा दो नहीं है ये भाई लिखा हुआ है माँ जी लव यू बहुत 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 ट्रक भर के लव यू फेथ गिफ्ट के नाम से इनकी इंस्टाग्राम आईडी है दिखाओ माजी दिखाओ माशाल्लाह सूरत ही 15वीं निकली है जबली जिसमें सूरह काफ भी आती नंबर 15 सूरह काफ आती है अल्लाह पाक आपके नसीब ने करे माजी बंद करना जरा बंद करना कवर दिखाना यार खुदा की कसम जिंदगी का सबसे बेस्ट तरीन तोहफा आया आज तक का मेरी बात सुन लो भाई रजा फैमिली मेरी बात सुन लो फेथ गिफ्ट पे चले जाओ सारे इंस्टाग्राम आईडी पे मैं तो थैंक यू करूंगा ही करूंगा मुझे अकेला अकेला अपना सब्सक्राइबर जाके उसका थैंक यू अदा करे और कहे कि हम रजा फैमिली की तरफ से आए चलो बस हाँ जी आपके पास क्या भाई जान आए वेरी गुड वेरी नाइस वेरी नाइस ये एक बच्चा जिम में लेके आया था मुझे याद है मैं भूल गया था फ्रॉम आगा बासित आगा आई थिंक इसका चैनल है यूट्यूब का बच्चे का बहुत प्यारा बच्चा थैंक यू मेरी जान थैंक यू अच्छा जी मुक्ति मुकाती अब बात यही है कि आपके भाई के निकाह की डेट कंफर्म हो गई है दिसंबर का फर्स्ट वीक है और दुआओं में याद रखें शहादत के दिन करीब आ गए हैं अल्लाह खैर करेगा व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड घर वालों की तो खुशियां संभलने में नहीं आ रही अल्लाह पाक इसी तरह इनको खुश रखे किसी और की खुशियां खराब करके तो अपनी खुशियां मना रहे हैं ये कोई बात नहीं खैर अल्लाह तो देख रहा ना व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड किसकी खुशियां मतलब मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है खबरदार गलत बात की दोबारा कि मेरी खुशियां भी इसी में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशी है तो मेरे घर वालों ने किया मैं तो ऐसे बस थोड़ा सा ओवर क्लेवर बनने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल हाँ जी ठीक है जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा अपने और अपने दोस्तों के साथ व्लॉग शेयर करें ताकि वो भी किसी की मुस्कुराहट की वजह बन सके होती है मुलाकात कल एक नए व्लॉग के साथ तब तक अल्लाह हाफिज़ जी मुझे ये फोटो और शीशे में करवा दो अल्लाह हाफिज़